एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 प्रैक्टिकल। क्लास 6 के मैथ के स्टूडेंट को यह वीडियो जारी किया जा रहा है जो एसपी मानदेशरी तमकोई रोड कुशीनगर द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस के दौरान यह वीडियो दिया जा रहा है, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को समाधान करें और इस पर आप साथ ही इसको देखें और समझें। आपको है ग्राफ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन दैट, लोकेट द पॉइंट्स ऑन दैट इसको दिया है। आपको शो करना है, क्या शो करना है तो उसमें कुछ करेक्शन दिया है तो आप कैसे शो करेंगे इसको दिया देखना हो। पहले नंबर उसके तो यह देखना होगा कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव। निगेटिव के लिए नंबर लाइन अलग से बनाना पड़ता है, पॉजिटिव के लिए बिना अगर कोई साइन का है प्लस या माइनस में माइनस नहीं शो किया है तो आप समझिए पॉजिटिव है। तो इसमें दिखाना है आपको तो, जो भी दिखाना है 1/4 1/2 3/4 या 4/4 जो भी शो करना है। सबसे पहले आप एक नंबर ड्रा करेंगे, खींचे के नंबर लाइन उस पर एक जगह पॉइंट निर्धारित करेंगे यानी नंबर लाइन पर वह जीरो होगा। इसमें इस नंबर लाइन में ए रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो और इसके राइट साइड ऑफ लाइन लाइन के यानी जीरो के राइट साइड में एक पॉइंट चलेंगे नंबर लाइन पर जो ई रिप्रेजेंट करेगा वन इंटीजर वन। देन जीरो वन यानी कि इसमें होगा ए ई डिवाइड इनटू फोर इक्वल का। फिर इसमें क्या करेंगे चार बराबर भागों में बांटेंगे जैसे ए बी सी डी ई चार बराबर भागों में जब बांट देंगे तो प्रत्येक भाग यह रिप्रेजेंट करेगा 1/4 बी रिप्रेजेंट 1/4 सी रिप्रेजेंट 2/4 जो काटने पर 1/2 आएगा, फिर डी रिप्रेजेंट 3/4 ई रिप्रेजेंट इंटीजर 1। सेम इसी तरह से बी को भी देखिए ये एक नंबर लाइन देंगे एक नंबर लाइन के राइट साइड में एक इंटीजर मानिए उस पर कोई लोकेट करेंगे पॉइंट जो उस पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे जो डबल होगा जीरो उसको जीरो पढ़िए या वो पढ़िए। फिर उसके राइट साइड में एक कोई इंटीजर ले लीजिए जिसका आप रखेंगे वैल्यू वन तो एस रिप्रेजेंट इंटीजर वन। ठीक O H divided into 8 equal part such that O A is equal to A B is equal to B C is equal to C D is equal to D E is equal to P F is equal to F G is equal to G F that each part such that A represents 1/8 B represents 2/8 C represents 3/8 D represents 4/8 E represents 5/8 और यह रिप्रेजेंट 6/8 डी रिप्रेजेंट 7/8 एच रिप्रेजेंट 8/8 दैट इज इंटीजर 1। अब इसके बाद से आता है आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में 20/3 20 में डिवाइड कर दो 3/6 टू रिमाइंडर है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन ऊपर वाला कॉम्बिनेशन 2/3 रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 2/3 यानी 20/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6 कॉम्बिनेशन 2/3 सर देखिए बी को डी के लिए देखिए 11/5 सबसे पहले 11 में 5 का डिवाइड कर दो 5 to the 10 रिमाइंडर आ गया 1 तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन के रूप में क्वेश्चन टू कॉम्बिनेशन 1/5 रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं
to 11 by 5 is equal to 2.9, sir. 1 by 5. D में दिया है 28 by 5, फिर 28 में 5 का डिवाइड करो, 5 5 का 25, 3 डिवाइडर है. अब इसको कॉम्बिनेशन के रूप में लिखो, 5 कॉम्बिनेशन से डिवाइड. ऐसे 28 by 5 is equal to 5 कॉम्बिनेशन, 3 by 5. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है इंप्रॉपर फ्रैक्शन. इंप्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देना है 7 कॉम्बिनेशन 3 by 4. तो क्या करो कि 7 into 4 plus 3 upon 4, that is 28 plus 3 by 4 is equal to 31 by 4. D है 5 कॉम्बिनेशन 6 by 7. तो 5 into 7 plus 6 by 7, that is 35 plus 6 by 7. तो 35 plus 6 41 by 7.